मैन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हाँ जी तो आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि फ़्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में हमें डिटेल से बताएं कि किस तरह से फ्रिज को अच्छा सा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और एक वो पिंटरेस्ट वाली लुक आ सकती है तो आ, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उसके बाद मैंने बहुत जबरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए और फिर अब मैं आज आप लोगों के साथ जो है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ बिग साइज फ्रिज और इसमें यह है कि मैं जब भी अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ ना अभी तो सबसे पहले जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मैं अपना फ्रिज क्लीन करूंगी मैं अपना फ्रिज जो है ना उस वक्त क्लीन करती हूँ जब मुझे पता होता है कि ग्रॉसरी कम रह गई है और फ्रिज के अंदर जो है ना सामान कम है तो ताकि जब सफाई तो आपको बाद में टेंशन ना हो ना कि ये चीजों को किसी को मीनस खराब हो जाएंगी या इस पे फंगस पड़ जाएगी अगर मैं इसको बाहर रखूंगी तो खैर मैंने अपना फ्रिज जो है वो खाली कर दिया था और अब मैं इसको क्लीन करूंगी और क्लीन करने के लिए जब मैं एक स्प्रे बना रही हूं इट्स अ होम मेड स्प्रे और डी टाइप और इसमें मैंने एक कप पानी लिया है आधा कप सिरका लिया है और दो एक चार पांच बूंदें आप कह सकते हैं मैंने इसमें डिश वॉशर की डाली है और मैं अब इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगी ताकि फ्रिज जब हम ऑर्गेनाइज करें तो फ्रिज जो है वो प्रॉपरली क्लीन हो तो सबसे पहले तो मैंने फ्रिज के सारे जो शीशे हैं या डिवाइडर्स जो है जो पार्टिशन होती हैं जो डिवाइडर्स होते हैं जिसके अंदर हम शेल्फ्स होती हैं जिसके अंदर चीज रखते हैं तो मेरे ग्लास के बने हुए हैं मोस्टली फ्रिज के तो आजकल ग्लास के ही होते हैं और ये मेरा जो फ्रिज है ये मैंने 2017 में ख़रीदा था सो इट्स क्वाइट ओल्ड मतलब uh, 2017 में लिया था तो अभी छः साल हो गए इस फ्रिज को और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी भी सो so, खैर मैंने इसके सारे ग्लास निकाल दिए और मैं अब इसको अच्छी तरह इस स्प्रे से जो है वो क्लीन कर दूंगी और ये वाला डी स्प्रे आपने याद होगा मेरा इसी तरह का मैं एक और स्प्रे बनाती हूं जो कि इसमें सिर्फ जो है वो पानी और होता है, और अपने के ग्लास साफ करती हूं, उस है तो इससे आप फ्रिज के जो डिवाइडर्स इनको साफ कर लें शेल्फें जो कह सकते हैं उसकी वॉल्स जो है ना बहुत अच्छी साफ हो जाती हैं बहुत अच्छे से आपने स्प्रे करने के बाद इसको किसी भी जो है ना ये क्लॉथ से आप साफ़ कर लें कॉटन के ले लें और आ, इससे अच्छी तरह से आपने इसको पोंछ लेना है ये ख़ुद ही ड्राई भी हो जाएगा और सारे दाग और जो होता है ना सारा आपको फील होता है कि गंदा हुआ है फ्रिज तो वो सारा का सारा जो है वो क्लीन हो जाएगा इसके ऊपर दीवारें भी मैंने साफ कर दी और जो नीचे वाला सारा एरिया है ना उसको भी मैंने साफ कर दिया वैसे मैं फ्रिज साफ करने का मुझे था कि मैं डायरेक्ट आप लोगों से शेयर कर देती हूँ लेकिन देन फिर आई विल बी गेटिंग सो मेनी क्वेरीज कि आपने फ्रिज कैसे साफ किया था वो नहीं दिखाया तो मुझे तो चले मैं आप लोगों के साथ फ्रिज क्लीन करके भी दिखा देती हूँ हाँ जी सामने मैंने पूरा एरिया जो है वो फ्रिज का क्लीन कर दिया है अब मैं इसके सारे के सारे डोर्स क्लीन कर दूंगी डोर्स में जो ये डिवाइडर्स लगे हुए ये जब मैं अब मीन्स ये मैं नॉर्मली जो है ना तकरीबन कोई पंद्रह बीस दिन के अंदर इसको साफ कर लेती हूँ एक आध शेल्फ लेके ना आप साफ कर लिया करें हफ्ते में एक दफा तो बड़े आराम से इसकी जो होती है वो दरवाजा भी साफ रहता है तो अच्छी तरह से यही वाला स्प्रे मैंने इस पे भी लगा दिया और मैंने इसको अच्छी से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया अच्छा जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ऑर्गेनाइजर्स। ये मैंने पहला ऑर्गेनाइजर मंगवाया है इन सब ऑर्गेनाइजर्स के लिंक्स मैं आपके से शेयर कर दूंगी ये मैंने दराज से मंगवाया था चाइना से आया है और ये आप देख सकते हैं छोटा सा मीन्स ये कंटेनर है और इसके अंदर ये जाली है और इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप कोई चीज जब धोते हैं ना तो छोटे से इसके नीचे जो है ना वो पैर से बने हुए हैं तो वो पानी जो है ना वो इसके नीचे चला जाता है जब भी कोई चीज़ आप धोते हैं और ड्राई होने के लिए रखते वन ये होते हैं नीचे से गलना शुरू हो जाती है और टोकरी अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो पानी टपक टपक के जो है ना आपका फ्रिज खराब करेगा तो ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छा है और ये आपको मैं बता रही हूं कि मैं इसका लिंक दे दूंगी तो ये वाला एक ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाया हुआ जिसमें आप अंगूर या यू कैन से के स्ट्रॉबेरी या कोई भी इस तरह की चीज होती है उसको बड़े आराम से सुखा सकते हैं और आप देखें इसके अंदर का पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ड्रिप करता जाता है और जब आप बाद में भी इसमें खा रहे होते हैं ना अंगूर में से पानी निकलता है तो वो नीचे निकल चुका होता है और आपके अंगूर ड्राई होते हैं तो ये वाला ऑर्गेनाइजर जो है ना सीरियसली इट्स वेरी गुड ये दूसरा ऑर्गेनाइजर जो है ये आप देख सकते हैं इट्स फॉर चीज चीज स्लाइसेज जो हम मंगवाते हैं पूरे का पूरा एक पैकेट जो चीज स्लाइसेस का होता है मेरे घर में तो खैर नाश्ते में बहुत ज्यादा चीज खाया जाता है मेरे हस्बैंड और मैं खाते हैं और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं तो ये जो है ना इसके लिए ये ऑर्गेनाइजर है इसके अंदर पूरे का पूरा चीज स्लाइसर का एक जो पैकेट है ना वो पूरा आ जाता है और आप इसको अच्छे और इतना अच्छा बंद हो जाता है और आप इसको फ्रिज में रखें इतना फ्रेश रहेगा और हम तो ज्यादा बल्क में लेते हैं तो बार बार जब उसको बाहर निकालो ना तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो चीज़ को इतना बार बार बाहर नहीं निकालना चाहिए तो ये वाला अच्छा है आप निकाल के आप बाहर रखो और नाश्ता कर लो और इसको दोबारा फ्रिज में रख दो तो ये चीज खराब नहीं होगी तो ये इसका लिंक भी जो है मैं आपको दे दूंगी ये जो थर्ड ऑर्गेनाइजर है ये मैंने मंगवाया है दिस इज समथिंग लाइक फॉर डोर फ्रिज के डोर के लिए मैंने मंगवाया है इसका मेन पर्पस क्या है मेरे पास कितने कैचअप होते हैं इतने दो जहानों के कैचअप हमें मिल जाते हैं uh, किसी भी uh, जैसे हम फास्ट फूड लेते हैं तो वो मिल जाते हैं और वो इतना एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नए uh, कैचअप की जो बॉटल्स होती है ना ये डिफरेंट किस्म के होते हैं तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ तो ये जो है वो सामने पहले तो मैंने एक छोटी बकेट में रखे हुए थे लेकिन नाउ आई हैव बॉट दिस ऑर्गेनाइजर ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है अंदर सारे की सारी जो है वो चीजें आ जाती हैं और मतलब ये जितनी भी जो सॉसेस के पैकेट्स है साशे वो आ जाते हैं और ये दरवाजे पे हैंग हो जाते हैं तो आपकी जगह भी नहीं घेरता और आप देखें इसके अंदर कितने बहुत सारे जो है ना वो साशे आ जाते हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना वो बड़े मजे के लगते हैं फ्रिज में इसके बाद मैंने एक और ऑर्गेनाइजर मंगवाया है स्पेशली uh, uh, ये जो है इसमें चार कंपार्टमेंट्स uh, बने हुए कंपार्टमेंट्स का मतलब इस तरह है कि अगर आपने जैसे कल सालन बनाना है और कोई चीज़ काट के इसमें रखनी है तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं जैसे एक साइड पर अगर आपने सुबह नाश्ता भी बनाना है ना तो उस नाश्ते के लिए जैसे आपने एक साइड पे, पे जैसे मैं ऑमलेट बनाती हूँ तो ऑमलेट के लिए यह कि रात को आपने प्याज काट लिया टमाटर काट लिया Means, uh, जो चीज भी आप ऑमलेट के अंदर डालती हैं उसको छोटे छोटे काट के तो आपने साइड पे इस तरह मीन अलग अलग करके रख दिया और उसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर दिया और आपने इसको फ्रिज में रख दिया तो ये जो है ना बहुत फ्रेश रहता है और आपको सुबह जो हैसल होता है ना जैसे बच्चों को इवन नाश्ता बना के देना है तो ये रात को ही आप काट के रख लें अगर आपकी हेल्पर है तो आप खुद कटवा के तो इसके अंदर अलग अलग करके रख दें बिलीव मी दिस ऑर्गेनाइजर इज वेरी गुड अच्छा जी अब इसके बाद जो है ये धनिया है धनिया नॉर्मली हम खरीदते हैं और मैं दो तरीकों से धनिया को करती हूँ पहला वाला तरीका मैंने कई दफ़ा शेयर किया आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड तरीका शेयर कर रही हूँ उसमें सिंपल आपने क्या करना है धनिया को काटना नहीं है उसकी डंडिया मतलब उसकी जड़ों से उसको अलग नहीं करना और आपने कप में पानी ले लेना है किसी भी कप में और उसके अंदर जो है ना आपने धनिया डाल के तो उसको फ्रिज में रखें बिलीव नहीं ये बहुत दिन चलता है और ताज़ा रहता है क्योंकि पानी इसके अंदर जा रहा होता है ना इसकी जड़ें बाकी हैं तो ये धनिया को खराब नहीं होने देंगे तो ये वाला जरूर ले इसके अलावा ये वाला जो है ना एक बकेट है जो कि नॉर्मली थोड़ी सी ऊंची होती है और इसको मैं फॉर ब्रेड यूज करती हूँ तो इसके अंदर जो है ना ब्रेड पड़ी होती है मुझे पता होता है कि जब निकालो भी ना तो पता होता है और दरवाजे के अंदर ब्रेड पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती तो कोशिश किया करें कि ब्रेड जो है ना इस तरह अलग करके रखा करें वैसे तो बाहर भी पड़ी हो तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम पाकिस्तानी है ना मैं होता कि फ्रिज के अंदर होनी चाहिए तो इसके अंदर जो है ना जो है पूरी बकेट बन गई अच्छा जी पालक ये है कि मैंने आपको पालक को रखने का बहुत से तरीके बताए लेकिन अगर आपको पालक जो है ना बहुत अरसे के लिए नहीं रखनी और आपने एक आध दिन में कंज्यूम कर लेनी है तो आप इस तरह मैश बैग के अंदर भी पालक रख सकते हैं मेरे पास इस तरह के बहुत से मैश बैग्स हैं ये मैश बैग्स मेरे पास मनीसो ब्रांड के भी है और आई थिंक जिमी वोक के भी हैं तो ये वाला मैश बैग जो होता है कपड़े का बना हुआ होता है कॉटन और नाइलॉन मिक्स मटीरियल है इसके अंदर आपने बस पालक को डाल के तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक तो ये बहुत जंबो साइज का है और इसके अंदर जो है ना डिवाइडर्स हैं तीन डिफरेंट डिवाइडर्स हैं और डिफरेंट साइज के हैं आप चाहे तो इनको एक साथ मतलब इसी डब्बे के अंदर डाल के भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो इनको निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं मतलब डिवाइडर अलग यूज़ कर लें और उस बड़े जम्बो से जो टब है उसको अलग यूज़ कर लें और फ़ायदा इसका सबसे अच्छा ये कि इसके ऊपर जो है ना ढक्कन लग जाता है तो अगर जैसे अब नॉर्मल हम हरी मिर्चों को और धनिया पुदीना को और अदरक वगैरह को जिस तरह से रखते हैं फ्रिज में तो ये एक ही कंटेनर में आपको सब कुछ मिल जाता है जब आपने हांडी बनानी होती है तो आप इस तरह उसमें निकाल के रख सकते हैं हरी मिर्चें आप देख लें मैं डंठल हटा देती हूँ क्योंकि गलना जब शुरू होती है ना हरी मिर्च तो डंठल में से ही गलना शुरू होती है तो वो मैं हटा देती हूँ और इस तरह से मिर्च मिर्चे पता नहीं कितने अरसे तक सीरियसली महीना पूरा बड़े आराम से फ्रेश रहती हैं तो नीचे मैंने टिशू लगा दिया ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी और ऊपर फिर आप टिशू रख सकते हैं नीचे ये दूसरा मैंने इसका कंटेनर लिया उसके अंदर मैंने पुदीना रख दिया और टिश्यू लगाने का मकसद ये होता है क्योंकि ये फ्रेश सब्जिया है इसमें से पानी रिलीज होता है तो इस तरह जब आप इसको टिश्यू लगा लेते हैं तो टिश्यू जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये किचन टावल है तो और तीसरे पे जो है ना आप बस एक काम करें कि उसके अंदर जो है ना आप अदरक नीचे लगा के टिश्यू तो उसके ऊपर जो है ना टिश्यू को सही करके नीचे लगा दें और ऊपर अदरक रख हैं तो अदरक क्योंकि कवर हो जाएगा ना तो ये आपका अदरक ड्राई नहीं होगा तो इस तरह से सबसे जो अच्छा अच्छा ची, अच्छी चीज जो मुझे इस कंटेनर की लगती है ना वो ये है कि ये आम, कवर हो जाती है तो इसके अंदर बहुत इसमें क्वांटिटी बहुत आती है अभी तो मेरे पास थोड़ा धनिया और पुदीना सॉरी पुदीना पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा रखा है बाद में ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मैं क्योंकि लेमन लेकर आई भी थी तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो लेमन को मैंने प्रिजर्व करने का पहले भी आपको तरीका बताया था अगर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं लेकिन वो जब अपना पानी रिलीज करते हैं ना लेमन तो वो गलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से लेमन प्रिजर्व करने से ना आपके लेमन गलेंगे नहीं तो आपने सिंपली किसी भी जार में शीशे के जार में ट्राई करें लेमन डाले और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया और पानी डाल के इसको बंद कर दें हर तीसरे दिन इसका नया पानी चेंज कर दें तो आपके लेमन खराब नहीं होंगे और जो पानी आप चेंज करेंगे ना उस पानी को आप यूज करें अपने घर की क्लीनिंग में एक तो खुशबू इतनी प्यारी आती है उस पानी से क्योंकि मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ और दूसरा ये कि वो क्लीन बहुत अच्छा करता है अच्छा जी फिर मैं जो है वो तीन डिफरेंट साइज के कंटेनर्स लेकर आई थी ये कंटेनर सारे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जस्ट टू तो गिव यू एन आइडिया आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप अपने लिए ले सकते हैं मैंने आइडिया देने के लिए आप लोगों के साथ किया ये जो कंटेनर है ना ये ज्यादा जगह नहीं घिरते मतलब ये बहुत चौड़े ऊंचे नहीं है तो इसके अंदर जो है ना चीज बहुत फैल के आती है तो फ्रिज में जो है मेरा एक खाना है जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है उसके अंदर मैं मोस्टली खाने और अपने सालन वगैरह रखती हूँ तो उसके लिए जो है ना मैंने इसको चूज किया है इसके अंदर थोड़ी चीज भी

कंटेनर में डाल के थोड़ी बहुत जितनी भी होती है आपके पास उसमें डाल के तो आप उसको भिंडी को भी इस तरह रख सकते हैं एंड बिलीव मी ये इतने तकरीबन एक इंच के जो है ना इनकी ऊंचाई है तो ये जो एक तीन कंटेनर है ना इसमें तीन डिफरेंट चीजें आती हैं और ये जगह जो है ना वो सिर्फ एक कंटेनर की लेते हैं तो ट्राई किया करें कि फ्रिज को ऑर्गेनाइज करते हुए ना ऐसी चीजों को यूज करें जो बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरती अच्छा जी ये मेरा जो है वो बटर वाला है इसके अंदर जो है बटर रख सकते हैं अभी मैं इसको खोलूंगी नहीं क्योंकि मेरा एक और बटर जो है वो खुला हुआ है तो मुझे पहले वो खत्म हो जाए उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगी आप इसको ओपन करके इस कंटेनर में रख रख लें ये है ही फॉर बटर और सीरियसली इसमें बटर बहुत अच्छा चलता है और शक श, श, शेप भी रिटेन रहती है और इसका जो साइज होता है ना उसी अकॉर्डिंगली होता है जितना बटर का होता है अच्छा जी ये मेरे पास एक नॉर्मल टोकरी पड़ी हुई थी और उसके अंदर आप अपने घर की किसी भी टोकरी को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं मैं मेरी अम्मी लेकर आई थी क्रीम के डब्बे और ये मैंने क्रीम को और ये क्रीम चीज है इसको सबको एक ही साथ रख दिया वरना आपको ना फ्रिज में आप देखते हैं कोई चीज उधर पड़ी होती है वो एक कोई क्रीम का डब्बा उधर पड़ा होता है तो सारे एक ही जगह पे होंगे अच्छा जी ये जो है ना दिस इज कॉल्ड लेजी सूजन और ये मैंने आई थिंक रुपए का या हजार रुपए का मंगवाया था आ, किसी वेबसाइट से लेकिन ये ये पे मैंने रुपए का अभी भी देखा है ये बहुत अच्छा है और ये फ्रिज के लिए बेस्ट है ये मैंने शायद पहले भी आप लोगों से शेयर किया था फ्रिज में आप लोगों ने मेरे देखा होगा और ये मेरा जो है ना ऑयल कंटेनर भी इसी तरह के लेजी सूजन में तो लेजी सूजन इज द बेस्ट फॉर योर फ्रिज इसके अंदर जो है ना वो इसलिए क्योंकि आपको ना ढूंढना नहीं पड़ता और आप इसको बड़े आराम से हिला लेते हो तो जो चीज़ आपको होती है आप वो निकाल निकालो तो इसमें मोस्टली मैं ना अपनी सारी रखती जूसेज ये एक और और जो जो है ए, है 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 ना टोकरी टाइप यू कैन से के इसके अंदर जो चीज़ मैंने रखनी है, वो जूसेस है, जूसेस एक तरह के घर में आ जाते हैं तो फ्रिज में ही होता है कि अगर इसको बाहर निकालो ना तो आगे पीछे चीजें यहां वहां हो जाती है तो इस तरह के कंटेनर में रखने से या इस तरह की टोकरी में रखने से होता है कि सारी जूसेस ना एक ही साथ एक ही जगह पे आपको मिलेंगे अच्छा उसके बाद ये है कि क्योंकि बच्चे मेरे एग्स खाते मैं भी एग खाती हूँ शौक से और बेटा मेरा आजकल थोड़ा जिम जिमशिम कर रहा है तो उसको होता है कि मैं ज, जो है ना एग्स जो है वो ज्यादा खाऊँ तो उसके लिए होता है कि मुझे तकरीबन कोई दो दर्जन कभी डेढ़ दर्जन एक ही साथ लेकर आने पड़ते हैं और जो फ्रिज की जो ट्रे होती है ना एग्स की उसमें ये सारे अंडे नहीं आते एक दफ़ा में तो आ, मैंने उसका हल ये निकाली कि मैं अंडे जब भी वो देख सकते हैं आपने वॉश करती हूँ मैं कभी भी बगैर वॉश के अंडे ना फ्रिज में नहीं रखती और इस तरह की किसी भी आप टोकरी ले लें जो आपके फ्रिज वाले में आराम से आ जाओ और गोल टोकरियां मत लिया करें, ट्राई किया करें, ये जो रेक्टेंगुलर होती है ना एक तो जगह बहुत कम घेरती है गोल वाली चीज ना जो भी गोल शेप की होती है चाहे वो कहीं पर भी आप रखे ना वो जगह खराब कर देती है या वहां की सारी जगह को स्पॉइल कर देती है तो ये इसके अंदर सारे के सारे जो है मैंने अंडे रख दिए और ये वाली टोकरियां मैंने लोकल स्टोर से ली हैं और ये वाली आई uh, डोंट कितने की कि थी मैंने तीन एक साथ उठा ली थी और मुझे था कि इसके अंदर मैं डिफरेंट सब्जियां या फ्रूट्स या कुछ भी होता है आप इसके अंदर रख सकते हैं सबसे अच्छी बात इन कंटेनर्स की या इन टोकरियों की ये होती है कि एक तो लंबे होते हैं ऊंचे होते हैं तो फ्रिज की जो ऊंची जगह होती है ना उसको घेर लेते हैं और

तो ये जो है ना सामने आपको नजर आ रहा होता है कि आपने कौन, कौन सी चीज रखी है तो अभी जो है मैं अपने फ्रिज के फ्रंट एरिया को जो है वो डेकोर करूंगी या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करूंगी तो सबसे पहले मैंने पर्पल -पर टोकरी रखी जिसमें मैंने अपने सारे वो ईरानी सामान रखा था फिर जूसेस रखे और साथ में मैंने बटर रख दिया और चीज जो है ना वो मैंने सामने रखी मोस्टली वो चीजें जो कि सुबह नाश्ते के टाइम यूज होती है और लेमंस रख दिए और साथ में जो है ना ये जो धनिया था ना ये मैंने इधर रख दिया और साथ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अंडे रख दिए जो कि बिल्कुल सामने ने आपको नजर आ रहे बड़े चमक रहे हैं और साथ में जो सुबह जो नाश्ते के लिए मुझे ऑमलेट वगैरह बनाना होता है उसके जो है प्याज टमाटर कट के वो सामने बिल्कुल पड़े हुए तो ये फर्स्ट जो रॉ uh, है ये आप देख सकते हैं ये सब फर्स्ट सेक्शन जो है वो जो है मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर लिया अब सेकंड में ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़ा अंदर करके आप सारी सॉसेस रख लें तो ये बड़े आराम से जो है ना आप इसमें से कोई भी सॉस आपने ढूंढनी है तो आप निकाल लेंगे और साथ में ये आप देख सकते हैं तीनों टोकरियां इतनी जबरदस्त हैं ये इतनी कम जगह घेरती हैं और सारी चीजें इसमें आ जाती हैं अब ये जो मैं आपको बोल रही थी ना कंटेनर्स आप देखिए कितने पतले पतले से हैं और ये मीन तीन चीज डिफरेंट चीजें इधर आ गई और साथ में जो है मैंने वो अंगूर रख दिए और साथ में जो लेफ़्ट ओवर सालन होते हैं वो मेरे छोटे डब्बों में डाल के मैं रख देती हूँ और ये इसके अलावा जो है ना ये अचार और ये जो है वो ये शक्कर है जो कि मेरे हस्बैंड चाय में भी डाल के पीते हैं तो मेरी आदत है मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ और बाहर मैं मैंने वैसे नॉर्मली हमेशा मैंने फ्रिज में ही रखा है इसके बाद यह है कि मैंने यहाँ पर अपनी हरी मिर्चों वाला कंटेनर रखा और अपना ब्रेड की बास्केट रख दी जो कि बड़ा खाना मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने रख दी और ये आप देख सकते हैं जो सब्ज़ी वाला खाना है इसमें मैंने एक में गोभी एंड गाजरे और जो है वो खीरा रख दिए थे और सेकेंड में मैंने पालक रख दी ठीक है तो ये आप देख लें और इसके बाद जो है ना मैं जो ऊपर ये खाली जगह बच गई थी इसमें जो दही वगैरह होता है या एक्स्ट्रा चीज जो मैंने ली हुई थी तो ये दोनों इधर होंगी जो मुझे यूज करनी होगी वो मैं ऊपर से यू कर ले लूंगी अभी भी ये देख सकते हैं खत्म हो रहा है और हमारी ग्रॉसरी जो है ना जब मैं नहीं डालूंगी तो मैं उसमें इसको इस्तेमाल करूंगी और ये एक मैंने टोकरी ली है मेरे घर में नॉर्मल पड़ी हुई थी और इसके अंदर मैंने सारी की सारी जो है आप देख सकते हैं जो मसाले खुले होते हैं चिकन टिक्का मसाला जो भी मसाले होते हैं वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ तो एक तो खराब नहीं होते नमी की वजह से बाहर क्योंकि इधर पिंडी में तो बहुत नमी होती है चीज़ें खराब हो जाती हैं और दूसरा इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है इनको अगर आप इस तरह के किसी कंटेनर में रखते हैं ना तो चीज़ें बहुत मीन्स यूटिलाइज हो जाती हैं और तरीके से इस्तेमाल होती हैं और इनकी उम्र भी ज्यादा हो जाती है तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्रिज का फ्रंट एरिया जो है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया इट्स एबसुलटली ऑर्गेनाइज हर चीज आपकी पहुंच में और हर चीज आपको नजर आ रही है अब जो दरवाजा है इसमें जो ऊपर ये जगह थी पहले एग्स के लिए थी यहाँ पर अभी मैंने ये अपने कंटेनर्स रख दिए हैं ये मैंने आइकिया से लिए थे बहरेन से तो इसके अंदर जो है ना मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रख दिए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर बाहर पड़े हो ना तो कीड़ा लग जाता है अच्छा ये डिवाइडर्स भी मैंने आ, दराज से मंगवाए सीरियसली ये बहुत अच्छे डिवाइडर्स हैं ये डोर डिवाइडर्स अब आप देखिए इनको आप जब डोर पे लगा लेते हैं ना ये मैंने चार पैकेट्स मंगवाए और हर पैकेट में चार दाने होते हैं तो ये फ्रिज के अंदर ना ये जो चीज़ें आपस में टकराती हैं और आवाज पैदा करती हैं ना जब आप फ्रिज खोलते हैं और हिलती हैं बोतलें शोतले तो ये आपस में ना टकराएंगी और ना हिलेंगी और ये एक ही जगह स्टेबल रहेंगी तो ये बोतलें जो है ना मैंने इसके अंदर हैं जो जो बोतलें आप देख सकते हैं जिसमें एक ये आश के पैकेट से मेरी अम्मी लाई थी इसके अलावा ये सारी मेरी वाइटमिन की हैं मेरी और बच्चों की आ, जो वो सारी वाइटमिन भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ सुबह जब मुझे खानी होती है नाश्ते के साथ मैं ले लेती हूँ तो आ, बड़ी बॉटल्स को मैंने पीछे रख दिया और छोटी सारी वाइटमिनस की जो बॉटल्स होती है ना उनको मैंने आगे रख दिया अच्छा जी ये जो खाना है ना इसके अंदर मैं हमेशा दूध रखती हूँ ये मैं आप देख सकते हैं मैंने दूध रखा ये देसी घी रखा है हलीफ का और ये मेरे पास एक्स्ट्रा और लेमन पड़े हुए थे ये बड़े साइज़ के तो इस बड़े कंटेनर में आते हैं और ये जो है ना साथ में मैंने देसी घी का एक और था ये घर का बना हुआ देसी घी था तो वो मैंने इसमें रख दिया तो अब मैंने दोबारा डिवाइडर्स लगा दिए हैं और ये आप देख सकते हैं इधर इस वाले जो खाना होता है ना सबसे आखिर वाला इसके अंदर मैं पानी की बॉटल्स रखती हूँ और इसके अलावा एक बॉटल मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी तो मुझे था कि चलो इसको नहीं फेंकते तो इसके अंदर मैंने जरेश डाल के रख दिया जरेश उस दिन आपने देखा था मैंने यूज किया था और इसके अलावा पानी की और बॉटल्स आ गई हैं और ये जो सारा साइड बच गई है तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे जो आ, बैग होते हैं ना सॉसेस के बैग्स होते हैं वो मैंने जो है पाउचेस सॉरी वो मैंने सारे डाल के रख दिया और ये जो है वो कैचअ वाला है आप देख सकते हैं मैंने ये कैचअ वाला इधर हैंग कर दिया है, इतने आराम से हैंग हो जाता है आप चाहे तो किसी भी दरा मीनस इस डोर के कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं ये सामने बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा मैंने नीचे भी बाद में आप लगा सकते हैं बट ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है So, खैर फ्रिज जो है वो हमारा फ़ाइनली uh, हो गया ऑर्गेनाइज और जो ऑर्गेनाइजर्स मेरे ये बच गए थे डिवाइडर्स मैंने बीच में लग, सबके लगा दिए ताकि आपस में टकराए ना बॉटल्स एंड बिलीव मी मुझे अपना फ्रिज इतना प्यारा लग रहा है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एट इतनी रिसर्च की है एंड एक लाइक like तो बनता ही है एंड अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ये थी मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स की वीडियो आप भी इससे आइडियाज ले सकते हैं एंड uh, मुझे प्लीज़ दुआओं में जरूर याद कीजिएगा रखिएगा एंड सी यू इन श्रा ती इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखिए दुआ मुझे याद रखिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़